फ्रेंड्स, क्या आप अपने बालों को सबसे जल्दी लंबे और घने बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं बालों की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बहुत ही जल्दी दूर हो जाए और आपके बाल बहुत ही सुंदर भी बन जाए? तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे हेयर टोनर बनाएंगे जो कि आपके हेयर फॉल को रोकेगी, साथ ही साथ आपके बालों को बहुत ही जल्दी लंबे घने भी बनाएगी, साथ ही साथ अगर आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है कि ये जो हम टोनर बनाएंगे ये हमारे किचन में होने वाली चीज़ों से हम बनाएंगे जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसके लिए पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा अदरक। तो आपको लगभग 100 ग्राम के अदरक लेना है और इसका जो छिलका उतारकर इसे अच्छे से साफ कर लीजिए और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर इसे ग्राइंडिंग करके इसका जो जूस है हमें निकाल लेना है। अदरक में फ्रेंड्स सल्फर और फास्फोरस बहुत ज़्यादा है, सो इस सल्फर और फास्फोरस के मदद से हमारे बालों की फॉलिकल्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जैसे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारे बालों के अंदर जो ब्लड के वजह से होने वाली न्यूट्रिएंट सप्लाई रुकी हुई थी वो न्यूट्रिएंट सप्लाई होना शुरू हो जाएगी और हमारे बाल वापस से धीरे धीरे मोटे होना और घने होना भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने अदरक का जो रस है जूस है निकाल लिया है, लगभग ये 50 से 60 ग्राम जूस हमने निकाल लिया है। अब सेकंड इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा गाजर। तो हमको गाजर का जूस भी चाहिए, लगभग जितना हमने लिया है जिंजर यानी कि अदरक का जूस उतना ही हमको गाजर का जूस भी चाहिए। तो इसके लिए आप गाजर लीजिए और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर इसे पीस कर इसका जूस निकाल लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ताजुब की बात लगेगी आपको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सल्फर और फास्फोरस हमने अदरक के जूस में मिलाया है उसके साथ जब ये गाजर के जूस का यानी कि बीटा कैरेटीन गाजर में जूस के जो बीटा कैरेटीन है मिक्स होता है तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से हमें मिलता है बायोटिन। और ये बायोटिन फ्रेंड्स हमारे बालों की जान होता है। और अगर हम हमारे बालों को वापस से उगता हुआ देखना चाहते हैं, हमने हमारे बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं, हमारे बालों को जड़ की कंडीशन को हमें बेहतर करना चाहते हैं तो हमें बायोटिन चाहिए होता है। और बायोटिन बनाने में ये बीटा कैरेटीन जो गाजर के जूस में था और अदरक के जो हमने मिला है फास्फोरस एंड जो सल्फर था उन दोनों की कॉम्बिनेशन में बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो गाजर जूस निकाल लेने के बाद आप ले लीजिए एक बाउल, उसमें डाल लीजिए गाजर का रस। जितना आपने मिला है गाजर का रस उतना ही हम ले लेंगे जिंजर यानी कि अदरक का जूस और उतना ही हमको यहाँ पर मिलाना है नॉर्मल पानी वाटर, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर हमने इसमें वाटर नहीं मिला है। तो पानी मिला लीजिए, हर क्वांटिटी चीज़ों का क्वांटिटी सेम ही रखना है और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल है आप ऐड करना चाहते हैं उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो सीरम हमने बनाया है फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा हेयर टॉनिक का भी काम करेगा। तो इसे आपको कैसे लगाना है, इसे आपको एक कटन के हेल्प से या फिर आपको अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो स्प्रे बॉटल के हेल्प से आपके हेयर रूट्स में अच्छे से लगा लेना है। रात को सोने से पहले आप इसे लगा लीजिए और अगले दिन आपको धोना नहीं है क्योंकि ये वाटर बेस्ड है, आपके हेयर में नहीं लेकिन कुछ भी आपको प्रॉब्लम करेगा ये वाटर बेस्ड है। इसके लिए हर रोज सोने से पहले आप इसे आपके बालों में लगाएं। कुछ ही दिनों तक आप लगातार फ्रेंड्स मेरी बात को लगा मानकर इसे ट्राई कीजिए, आप देखेंगे आपके बालों के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे फ्रेंड्स। और इसे फ्रेंड्स आपको फ्रिज में स्टोर करके रखना है, आप इसे फ्रिज में रखकर एक वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको इसे लगाना है तो इसे निकाल लीजिए थोड़ी देर पहले और इसे आपके हेयर रूट्स पे लगाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके हेयर फॉल बिल्कुल भी रुक जाएंगे और आपके बाल बहुत ही जल्दी लंबे घने काले भी बन जाएंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आप इस रेमेडीज को जरूर ट्राई कीजिए और कुछ ही दिन लगातार यूज कीजिए और उसके बाद आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।